स्टेशन का, जो कि अभी निर्माणाधीन है, निर्माण चल ही रहा है इसका। कुछ ऐसा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। अभी चलिए दोस्तों, तो सामने से देख रहे हैं पटरियाँ बिछती हुई आ रही हैं, यहाँ भी पटरियाँ बिछने वाली हैं। एक पे हम टहल रहे हैं, चलते हैं, साइड से चलते हैं, दिखाते हैं। और आपको यहाँ पर कोई यात्रीगण नहीं दिखेंगे, सब जितने लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर फार्म के बीच में आ गया है, जहाँ पर रेलवे लाइन अपना ट्रैक बिछाएगी, रेलवे अपना लाइन का ट्रैक बिछाएगी, उस ट्रैक में आ गया। और ब्लॉग में तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं सागंज, और चलते हैं आज आप लोगों को दिखाते हैं सागंज का ब्लॉग, सागंज का स्टेशन का ब्लॉग, और सागंज स्टेशन पे क्या 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 परिवर्तन हो रहा है सब चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। और लगभग तो सभी गाड़ियाँ बंद हैं। चलिए आप लोग ब्लॉग बन रहे हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, आपको ब्लॉग दिखाते हैं। देखिए पूरा शायद हम आपको दिख रहा होगा सामने, वर्क पूरा हो रहा है और सारा वर्क एकदम, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं इधर, पूरी पटरियाँ बिछ बिछ के एकदम पटरियाँ बिछाई जा रही हैं। और स्टेशन पे पूरा आउटडोर एकदम पूरा बंद कर दिया गया, जितने दोस्तों जाने का रास्ता था, आने का रास्ता था। और देख रहे हैं जेसीबी से वर्क हो रहा है बीच में भी, साइड में भी, इससे और इस ट्रेन रुकने की व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, पटरियाँ यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाने का सिस्टम हो रहा है। तो प्लेटफार्म नंबर भी तो टूट रहा है, एक भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, क्या होगा, शायद एक नया टूटे, दो नंबर प्लेटफार्म टूट चुका है दोस्तों। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यवस्था हो रहा है, तो आपको अब ले चलते हैं। ये टिकट घर था दोस्तों यहाँ का, इधर विधायक दिखाए थे, ये भी यहाँ पर कार्य रोक दिया गया है, शायद टिकट वैसे बुकिंग टाइप में कट रहा होगा, लेकिन यहाँ से कोई टिकट नॉर्मल टिकट नहीं कट रहा है। इस सारा काम यहाँ पर रोक करके, और जे सी बी से देख रहे हैं पूरा काम चल ही रहा है। और जो ये टिकट घर है दोस्तों, इसका न्यू डिजाइन बन रहा है पूरा, आप भी आपको चलते देख दिखाते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरा यहाँ पे, और जे सी बी से भी पूरा काम चल ही रहा है। ये प्लेटफार्म नंबर दो है, उधर भी काम हो रहा है, और इधर प्लेटफार्म नंबर एक पे हम टहल रहे हैं, चलते हैं, साइड से चलते हैं, दिखाते हैं। और आपको यहाँ पर कोई यात्रीगण नहीं दिखेंगे, सब जितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। और आपको अपडेट देते हैं, और लगभग इसी कारण से दोस्तों कई ट्रेनें भी रद्द हो गई हैं हमारे यहाँ। कभी ट्रेन मालिकपुर पे जो आती थी, यही मालिकपुर गुजर करके इसी रास्ते से आती थी, वो भी सब भी रद्द हो गई है। और यहाँ से दिखा दें, बहुत सारा काम अब स्टार्ट हो चुका है, और इसको वो तीन चार लाइन और आगे जा रहे हैं। देखिए दो लाइन इधर चल रही है, दो लाइन पर छः सात लाइन, मतलब पाँच छः लाइन हो गया। चलिए आपको ब्लॉग दिखाते हैं पूरा। ये जो पानी का टंकी है, ये प्लेटफार्म के बीच में आ गया है, जहाँ पर रेलवे लाइन अपना ट्रैक बिछाएगी, रेलवे अपना लाइन का ट्रैक बिछाएगी, उस ट्रैक में आ गया है। शायद इसको तोड़ने के लिए निर्माण बांस बल्ली सब लगना स्टार्ट हो गया है। इस टंकी को हमें लगता है कि तोड़ दिया ही जाएगा, क्योंकि ये पटरियों के बीच में आ गया है, तो इसको तोड़ ही देंगे। और तो आपको दिखा दिए ओवर ब्रिज तो यहाँ से हटा ही दिया गया है, तो उसको भी तोड़ ही दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग बनाने का ज़्यादा सपोर्ट करते रहिएगा। आप स्टेशन पे आप नहीं दिखेंगे, जब पूरा ट्रेन ही बंद है तो स्टेशन पे आप कर सकेंगे। तो देख रहे हैं पूरा स्टेशन ही एकदम चारों तरफ खाली खाली नजर आएगा आपको, सिर्फ वर्कर ही यहाँ पर नज़र आएंगे। तो यहाँ से भी आपको दिखाते हैं कि साइड से ले चल के बहुत सारा काम हो रहा है, अब यहाँ का परिवर्तन अब जाके हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें नई निर्माण देख रहे हैं। पुराना यह पुराना गेटअप आपको दिखेगा, और ब्रिज का जो इसको भी अब खाली कर दिया जा रहा है, तोड़ मतलब इसको छोड़ करके साइड में कर देंगे। तो जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी अगर सागंज से आप कहीं जाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको गाड़ियों की सुविधा नहीं मिलेगी, सभी गाड़ियों रोक दी गई हैं। और यहाँ से कोई गाड़ी आपको जाने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे पटरी पूरा ऑल टोटल पूरे स्टेशन पे काम हो रहा है एक दो। और इधर देखिए सामने जो दिख रहा है नया ओवरब्रिज है, जो नया ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है। और अब आपको यहाँ से दिखा दें, ये है न्यू निर्माण स्टेशन का, जो कि अभी निर्माणाधीन है, निर्माण चल ही रहा है इसका।
कुछ ऐसा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से स्टेशन का। तो ऐसे काम चलता ही रहता है दोस्तों। तो यहाँ 2 महीने के लिए पूरा ब्रेक लग गया है गाड़ियों का। तो 3 2 5 5 लाइन बन रहा है दोस्तों, और उस साइड भी बनेगा कुछ। तो चलिए, आप लोगों को ब्लॉग बन रही है, ज़्यादा ज़्यादा आपको अपडेट देते रहेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे पूरा वर्क हो ही रहा है, और ये दूसरा निर्माण दोस्तों, ये पानी की टंकी है यहाँ पे, जो पूरा आपको दिखेगा। ये पानी की टंकी है और दूसरा निर्माण यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। ये भी स्टेशन का पिछला रूप तैयार हो ही रहा है, अभी तो निर्माणाधीन है। और दूसरा लाइन दोस्तों, 1 2 3 6 7 लाइनें बन रही हैं अब यहाँ पर। अभी तक तो 2 ही 4 थी, अब 6 7 लाइन बन रही हैं, क्योंकि इस पार भी लाइनें यहाँ तक बनेंगी। ओवरब्रिज के हिसाब से लग रहा है, अभी 2 इधर दिख रही हैं, और देख रहे हैं वर्कर लोग पूरा काम कर रहे हैं। 2 इधर दिख रहा है, और 2 का डिजाइन कुछ ऐसा यहाँ से आपको दिखा दें। अब यहाँ पर भी ओवरब्रिज के हिसाब से दिख रहा है, यहाँ पर भी लाइन रहेगा, यहाँ पर भी पटरियाँ बिछेंगी। अभी देख रहे हैं पूरा एकदम खाली, यहाँ पटरियाँ बिछेंगी दोस्तों। तो कुछ सामने से देख रहे हैं पटरियाँ बिछती हुई आ रही हैं, यहाँ भी पटरियाँ बिछने वाली हैं। और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, कुछ अभी काम इसमें काम चल ही रहा है स्टेशन का। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और आगे। और वहाँ पर देखिए निर्माण हो चुका है, शायद कार्यालय है, क्या है क्या नहीं है हमको मालूम नहीं है। चलिए, आप लोग ब्लॉग में रहिए, आपको ज़्यादा अपडेट देते रहेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और ज़्यादा शेयर करिएगा। जैसे जैसे अपडेट मिलेगा वैसे वैसे अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पर काम की प्रगति ऐसी है, और देखिए नए ओवरब्रिज का कुछ ऐसा निर्माण हो ही चुका है। तो काफ़ी दोस्तों इनकम बहुत ज़बरदस्त मोटे मोटे पिलर के साथ बनाया गया है। यहाँ से कुछ ऐसा रेपर का लोग काम कर ही रहे हैं। और वर्क करने के लिए गाड़ी स्पेशल रखी गई है। और कुछ ऐसा जो नए मकान का निर्माण हो रहा है दोस्तों, कुछ ऐसा लुक दिख रहा है यहाँ से अभी। तो ये नया मकान है दोस्तों, इसका निर्माण कुछ ऐसा लुक यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, काफी सुंदर सा। तो गाइज, जब भी तैयार हो जाएगा, तो अभी इसमें कई रूम बन चुके हैं, एसी रूम है, सब कार्यों पर बन रहा होगा। तो देखिए यहाँ 2400 घंटे काम हो रहा है लगातार, और इस साइड भी काम हो रहा है, और इस साइड भी काम हो रहा है। हमें लगता है 7 लाइन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब तक तो काफ़ी इसको बड़ा कर दिए हैं, जंक्शन तो है ही भाई। तो इस तो भाई जी, आपको आगे दिख रहा होगा कि JCB और JCB भी लगी है काम करने के लिए। इतने वर्कर लगे हैं दोस्तों, इतना वर्क तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से वर्क हो रहा है। ये देखिए, अब सारा बहुत सारा परिवर्तन होगा, क्योंकि ये जो स्टेशन था इसको और आगे कर दिए हैं उठा के, मतलब उस साइड में कर दिए पीछे की तरफ में। और ये सब देखिए दोस्तों, नया ट्रैक बन रहा है पूरा, नया ट्रैक बनने के कारण एकदम पूरा व्यवस्थाएँ पूरी तरीके से बंद है अभी। और यहाँ आपको ले चल के दिखा दें, ये है नया ट्रैक जो ये बीच से होकर निकलेंगी, और सारा ये सब इतना स्टेशन है और सब है, ये सब फिकर घर और पूरा टूट जाएगा। ये नए ट्रैक बनने की वजह से यहाँ पर 2 ट्रैक निकल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ट्रैक 3 है, दूसरे को ट्रैक 3 जो तीनों है, दूसरी और ये तीसरी जो ट्रैक तीन छोड़ दी है। अभी आगे का पूरा पोस्टर तोड़ ही दिया जाएगा, जौनपुर से सीधे सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए इसका सभी गाड़ियों का रूट चेंज हो गया है। तो आप एक बार अगर सागर से गाड़ी पकड़ना चाहते हैं, तो एक बार आप जानकारी अवश्य ले लेना कि गाड़ियाँ चली कि नहीं चली, अन्यथा आप आना कर दूंगा।
चलिए आप लोग ब्लॉग बनाइए, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।